अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिर हसनात। शामिल करते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब पुलिस की अपने शोहदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए अहम कामयाबी। पंजाब पुलिस और पाकिस्तान के मारूफ तालीमी इदारे किप्स एजुकेशन सिस्टम के दरमियान एमओयू तय पा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वजीर खान ने एमओयू पर दस्तखत किए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट विनी का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। एमडी मोहम्मद एहसन यूनस, चीफ एडमन शुएब महमूद और ऑपरेशन कमांडर शफीक अहमद ने ब्रीफिंग दी। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 85,998 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,108 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 52,984 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,117 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,077 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम के इजाज में तकरीब का इनेकाद। पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और मैच ऑफिशल्स की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान की लाहौर सर्विस अस्पताल आमद। फैसल कामरान ने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अली की अयादत की। सरगोधा पुलिस की बड़ी कामयाबी, कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम थाना भलवाल सदर पुलिस के शिकंजे में। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट विनी का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। एमडी मोहम्मद एहसन यूनस, चीफ एडमन शुएब महमूद और ऑपरेशन कमांडर शफीक अहमद ने ब्रीफिंग दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के वफ्द को एयरपोर्ट, होटल और स्टेडियम रूट्स की सिक्योरिटी और फोर्स की तैनाती बारे ब्रीफिंग दी गई। जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सिक्योरिटी इदारों के तआवुन बारे भी बताया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। इस मौके पर सरबरा न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना था कि पुलिस का सिक्योरिटी सिस्टम वर्ल्ड क्लास है और इसे देखकर खुशगवार हैरत हुई। इजलास के अख्ताम पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से वफ्द को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। पंजाब पुलिस की अपने शोहदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम के लिए अहम कामयाबी। पंजाब पुलिस और पाकिस्तान के मारूफ तालीमी इदारे किप्स एजुकेशन सिस्टम के दरमियान एमओयू तय पा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वजीर खान ने एमओयू पर दस्तखत किए। निजी तालीमी इदारे के स्कूल्स, कॉलेजेस, इवनिंग कोचिंग सेंटर्स, एमडी कैट्स समेत टेस्टों की तैयारी में फीस पर खसूसी रायत मिलेगी। पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त दाखिला, तालीमी खराजात में 100% रायत मिलेगी। हाजिर सर्विस, दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को एडमिशन, माहाना ट्यूशन फीस में 50% रायत मिलेगी। इस मौके पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि किप्स को क्वालिटी सिस्टम के हवाले से पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों में मुनफरिद हैसियत हासिल है। एमओयू की बदौलत पुलिस मुलाजमीन के बच्चे बेहतरीन तालीमी इदारों में अपना तालीमी सफर बगैर किसी परेशानी मुकम्मल कर सकेंगे। गुज़श्ता एक वर्ष में पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी खराजात के मद में 85 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। महकमे मौसमियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रिडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 113, पंजाब यूनिवर्सिटी 122 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 105 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहिरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम के इजाज में तकरीब का इनेकाद। पुलिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और मैच ऑफिशल्स की शिरकत। पैटर्न क्रिकेट डिसिप्लिन एडिशनल आईजी आईबीए इमरान महमूद ने पुलिस क्रिकेट टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर शाबाश दी। पंजाब पुलिस क्रिकेट टीम ने हाल ही में फैसलाबाद में मुनक़िदा शेर सुल्तान T20 क्रिकेट टीम का टाइटल अपने नाम किया है। पुलिस क्रिकेट टीम ने पंजाब यूनिवर्सिटी, लेस्को, लाहौर कलंदर्स, हाई परफॉर्मेंस ओवरसीज प्लेयर्स से क्रिकेट सीरीज जीती हैं। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान की सर्विसेज अस्पताल आमद। फैसल कामरान ने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अली की अयादत की।
मोहम्मद फैसल कामरा ने डॉक्टर से जख्मी कांस्टेबल की तबीयत बारे इस्तफसार किया और अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हदायत भी की। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसपी कैंट के सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देने, सेफ सिटी और सीसीटीवी कैमरों की मदद लेने और मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम भी दिए। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।